हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम सौरभ ढाका, आई टीच ज्योग्राफी इन क्रिसेंट पब्लिक स्कूल। हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ज्योग्राफी? और सिलेबस में हमारे क्या क्या है, हम 11th क्लास की ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे। और 11th क्लास में ज्योग्राफी के टू पार्ट हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और सेकंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। हमारे 11th क्लास के सिलेबस में दो बुक हैं, इंडिया के फिजिकल एनवायरनमेंट और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम इंडिया के फिजिकल एनवायरनमेंट के बुक को स्टडी करेंगे। 11th क्लास की बुक है। अब सबसे पहले इंडिया के फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए हमें इंडिया की लोकेशन और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडिया लोकेशन। ये हमारा फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर हो गया। इसको जानने से पहले हम ज्योग्राफी शब्द के बारे में पता करेंगे। ज्योग्राफी शब्द क्या है? ज्योग्राफी मीन, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब मीन पृथ्वी के तल पे होने वाली सभी क्रियाओं का जो अध्ययन कराए वह है ज्योग्राफी। यह हमारा ज्योग्राफी शब्द का अर्थ हो गया। अब बात करते हैं हम इंडिया के लोकेशन की। इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ इन कश्मीर एंड साउथ इन कन्याकुमारी। इंडिया नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से और साउथ में कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होकर और वेस्ट में गुजरात तक फैला हुआ है। ये हो गया हमारा इंडिया। कुछ ऐसा ही हमारा मैप बनेगा। अब बात करते हैं इसकी ओशियन में टेरिटरी की। भारत की कितनी सीमा समुद्र के अंदर आती है? जो समुद्री सीमा है भारत की वो 12 नॉटिकल माइल है, लगभग 21.9 किलोमीटर, जो इतना एरिया आता है ये भारत के अंदर आता है समुद्री सीमा में। अब जानेंगे इंडिया की लोकेशन कैसे जानते हैं। इंडिया की लोकेशन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लोंगिट्यूड क्या होते हैं, और ग्लोब में इंडिया का स्थान कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड और लोंगिट्यूड की। ये हो गया हमारा ग्लोब। अब बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन होती है।
ये दोनों इमेजिनरी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया ऐसे, ये होगा 0 डिग्री, इसको लाइन ऑफ इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। और जो इसके बिल्कुल पैरेलल में होगी ये सारी लाइनें लैटिट्यूड लाइनें होंगी। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, वर्टिकल लाइन, जो नॉर्थ पोल को पोल से मिलाए, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये हमारी हो गई लॉन्गिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, मीन अर्थ के कोई पॉइंट, अर्थ के सरफेस पे कोई पॉइंट पृथ्वी के सेंटर से जो एंगल बनाए वो हो गया लैटिट्यूड लाइन। इसके ऊपर जो लाइन बनती है वो लैटिट्यूड लाइन होगी। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, ये हो गई लाइन ऑफ इक्वेटर। ये पृथ्वी को टू पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ। अब बात करते हैं टू लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। ये हो गई हमारी दो लाइन, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 111 किलोमीटर, मीन 111 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ टू लैटिट्यूड। और बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। इक्वेटर लाइन पे लॉन्गिट्यूड 111 किलोमीटर होते हैं और पोल की तरफ जाते समय इनकी दूरी घटती जाती है और पोलर पे आके ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड। अब बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की, इंडिया कहां पे स्थित है। ये हो गया हमारा ग्लोब, ये हो गई इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, नॉर्थ साउथ। इंडिया की स्थिति ये हो गई हमारी 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है, ये हो गया हमारा इंडिया मीन, और ये होगी लॉन्गिट्यूड लाइन। इंडिया ग्लोब में ईस्ट साइड में और साउथर्न पास्ट में पार्ट में फैला हुआ है, मीन हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं और पूर्वी साइड में ईस्टर्न साइड में आते हैं ग्लोब की। अब बात करते हैं इसकी कोऑर्डिनेट कौन से हैं। साउथ में इंडिया 8 डिग्री 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। और बात करें ईस्ट से वेस्ट की, ये 68 डिग्री एंड 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट। ये कौन से स्थान में आएगा, यह आ जाएगा हमारा ईस्ट, ईस्ट में नहीं, ये हमारा आएगा, ये जो लोकेशन है ये ईस्ट में आएगी, ये भी ईस्ट में और ये नॉर्थ में, और ये नॉर्थ में, क्योंकि हम नॉर्थ गोलार्ध के नॉर्थ साइड में है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आते हैं। जो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो बिल्कुल यहां से निकलती है,
आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ये 82 डिग्री एंड 30 मिनट पे बनी हुई है, ईस्ट पे। ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर निकलती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल सेंटर से निकलती है। जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला एरिया आता है ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है, और जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला एरिया आता है नॉर्थन इंडिया, वो सब ट्रॉपिकल में आता है। इसको बोल सकते हैं वार्म टेम्परेट रीजन भी, मीन जब ये लाइन निकलती है इंडिया के तो ये तो क्लाइमेट को डिसाइड करती है, कैसा क्लाइमेट होगा, कैसी सोयल होगी, कैसी वेजिटेशन होगी। और ये लाइन लॉन्गिट्यूड लाइन ये हमेशा टाइम के बारे में बताती है, इंडिया का टाइम ग्रीनविच लाइन से कितना आगे है और इसमें क्या क्या बातें हो सकती है ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।